कर्ज एक रिलेशनशिप की फिल्म है, जैसे हमारे यहाँ एक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉन्ड होता है एक माँ और बेटे का लाइफ में, तो ये माँ और बेटे की कहानी है, लाइक द मोस्ट प्योरेस्ट बॉन्ड, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो उन दोनों की इमोशनल टर्मोइल की और अबाउट देयर रिलेशनशिप, अबाउट देयर होल स्टोरी लाइन, सारी कहानी उन्हीं पे मुनसर है और उसी के बारे में है. सो आई वुड से इट्स अ स्टोरी अबाउट रिलेशनशिप, एंगर एंड पनिशमेंट. That's how it moves. Karz the burden of truth. तो यानी कि अगर मैं कहानी को एक लफ्ज़ों में, दो लफ्ज़ों में कहूँ तो एक माँ और बेटे की कहानी है, लेकिन ज़ाहिर उसमें दूसरा बेटा भी है, उसमें शिल्पा शेट्टी भी है, उसमें आशुतोष राणा भी है, ऑल कैरेक्टर्स आर देयर. तो अगर एक इफ इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, दैन इज़ अ रिलेशनशिप अबाउट अ मदर एंड सन प्राइमरली. अदरवाइज ये कहानी सुनील शेट्टी हैं, सनी देओल हैं, किरण खेर है, शिल्पा शेट्टी है, आशुतोष राणा है, इन पाँचों कैरेक्टर्स के साथ इंटीग्रेटेड है. किस तरह इन पांचों कैरेक्टर्स के जरिए हम कहानी को अनफोल्ड करते हैं और कैसे उन्हीं के जरिए फिर हम कहानी को अनफोल्ड करते रहते हैं, अपनी कंक्लूजन पे आते हैं. सो आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स सुनील शेट्टी इज़ नॉट दी पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड आई एम नॉट सेइंग कि सारी कहानी सिर्फ सनी देओल और माँ की कहानी है. नहीं, जिस तरह एक और तरीके से देखा जाए, व्हेन यू टॉक अबाउट एंगर, व्हेन यू टॉक अबाउट पनिशमेंट, तो ये दो हीरो की कहानी है हु आर ऑन एंगर ट्रिप फॉर अ पनिशमेंट. सो ज़रिए हैं आपके नज़रिए हैं किस तरीके से आप कहानी को देखना चाहते हैं. तो अगर आप एक इमोशनल लेवल पे और रिलेशनशिप के लेवल पे देखना चाहते हैं तो ये मार बेटे की कहानी है. अगर आप एंगर और पनिशमेंट के ज़रिए देखना चाहते हैं तो ये दो हीरोज़ की कहानी है, दो कैरेक्टर्स की कहानी है, जो कि अपने एंगर को जाहिर करते हुए जिसको भी पनिश करना चाहते हैं उसको पनिश करते हैं. सो इट्स हाउ यू अप्रोच इट, व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू लुकिंग एट. सच्चाई का बोझ है, जैसे कि हम कह रहे हैं कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रूथ, एक सच्चाई है जिसका बोझ है, जो हमारी कहानी है, जिसके बारे में अगर मैं अभी बताऊं तो फिर मैंने कहानी ही बता दी, फिर आप फिल्म देखने ही क्यों आएंगे. तो सच्चाई के बोझ की कहानी है. वो क्या सच्चाई है, कितना बड़ा बोझ है वो, और किस तरह वो खुलता है, किस तरह पर उसे संभाला जाता है, तो कैसे कहानी आगे बढ़ती है, यही वो कहानी है. सी सनी तो बल्कि ही सीजन बाय नाउ, एंड गदर में उन्होंने दिखाई दिया कि मैं कितना कैलिबर है मेरे में और मैं क्या कर सकता हूँ. सुनील शेट्टी हैज़ ऑल्सो ग्रोन बाय द ईयर्स एज एन एक्टर अ लॉन्ग वे नाउ, एंड ही इज़ ऑल्सो लाइक यू कैन से काइंड ऑफ सीजन नाउ, नॉट लाइक सनी, बिकॉज सनी इज ऑलवेज यू नो लाइक मच्योर्ड एंड राइप, बट इट्स नॉट दैट सुनील शेट्टी नाउ हाउ टू एक्ट, ही एक्ट्स वेरी वेल. आई एम टॉकिंग कि मैंने उसे शायद वो पहली फिल्म भी रिलीज़ नहीं हुई थी जब मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया था. सो द वे ही इज़ ग्रोन एंड इज़ कम अ लॉन्ग वे, ही इज़ रियली सीजन अप हिमसेल्फ, एंड इवन ही इज़ ब्रिलियंट द फिल्म, एंड शिल्पा हैज़ डन हर जॉब वेरी वेल द वे वी एक्सपेक्टेड. शी डजंट हैव द मीट दैट यू कॉल इन अ कैरेक्टर, बट शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब ऑफ वट एवर कैरेक्टर शी हैड इन द फिल्म. किरण खेर हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब, उसका रोल बहुत अच्छा है और उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी किया है. मैं उन्हें थिएटर के दिनों से जानता हूँ, जब हम इकट्ठे थिएटर किया करते थे, सो आई एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम हर, और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया है. एंड आशुतोष राणा अगेन मैन फ्रॉम थिएटर, सो बोथ ऑफ देम हैव डन वेरी वेल, आशु एंड किरण, एंड सो आई थिंक एवरीबॉडी हैज़ गिवन देयर बेस्ट. सब लोगों ने खूब मेहनत करके खूब कैरेक्टर में घुस कर अपना काम किया है, एंड आई थिंक यू विल हैव अ गुड ट्रीट टू वॉच एज फार एज परफॉर्मेंस इज अ कंसर्न. बाजार में बज रहा है, अच्छा बज रहा है, और मेरे हिसाब से बहुत ग्रो करना चाहिए. It's very good. We worked very hard on it. Sanjeev Darshan came up with their best. Samir ne bhi bahut achhi contribution ki. Aur kahani ko nazarandaz rakhte hue, music I think is very melodious. Aur I have find no reasons why the music should not do well. Jahan par aise do bade stars hain, Sunil Shetty aur Sunny Deol, aur Kiran Khair jaisi actress hain, wahan pe aapne Shilpa Shetty ko jo role mein diya hai, इसलिए आते मैंने अपना साइलेंट पे कर दिया था. हाँ जी, ऐसा है कि एज फार एज शिल्पा इज कंसर्न, एज आई रेड दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द कैरेक्टर दैट शी प्ले, शी वो फिल्म में सिर्फ एक ग्लैमर एग्जिबिट करने के लिए नहीं है. शी हैज़ हर माइलेज इन द फिल्म, शी हैज़ हर कैरेक्टर इन द फिल्म, शी हैज़ हर प्लेस इन द स्टोरी, एंड दैट इज़ वाई शी इज़ देयर, एंड दैट इज़ वाई द होल थिंग इज़ वोवन अराउंड वट एवर दैट लिटिल कैरेक्टर डिमांड्स इम्पॉर्टेंस. एज अ सेड अर्लियर, आई वुड नॉट शर्क अवे फ्रॉम दैट स्टेटमेंट, इट्स अ मदर सन स्टोरी. लेकिन उसमें दूसरा भाई भी है, उसमें एक लड़की भी है, उसमें विलन भी है, उसमें अदर कैरेक्टर्स भी हैं. सो एवरीबॉडी हैज़ इज शेयर टू डू. सो इवन शिल्पा इज़ नॉट देयर ओनली फॉर ग्लैमर, but she's definitely there for the metal that she
can give us 2-3 performance scenes which are more than enough to justify a character. फिलहाल मैं किसी फ्लॉप और हिट फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ. वो रिलीज़ के बाद इसके बारे में कहा और सोचा जाता है. हाँ, मैं जिस फिल्म की आप बात कर रही हैं उसमें सनी देओल और सुनील शेट्टी डेफिनेटली आए थे, लेकिन साथ में 4-5 हीरो और भी थे. लेकिन वो एक 5-4 दिन वाले गेस्ट अपीयरेंस वाली फिल्म थी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल रेगुलर फीचर फिल्म इन विच माई एक्टर्स आर देयर थ्रू आउट एज एंड वैन वी वॉन्ट फॉर एज मनी नंबर ऑफ डेज फॉर एज मनी नंबर ऑफ ईयर्स टिल वी कम्प्लीट द फिल्म. सो इट्स अ नॉर्मल रेगुलर फीचर फिल्म एंड आई डोंट थिंक सो इसके साथ आपको किसी भी गेस्ट अपीयरेंस वाली फिल्म के साथ कोई कंपैरिजन करना भी चाहिए और सवाल भी पूछना चाहिए, क्योंकि ये वो गेस्ट अपीयरेंस वाली फिल्म नहीं है.